यहाँ पे देखो सारे बुढ़े बेड़ा मार के बैठे हुए हैं। एक बॉम्ब ले लिया है मैंने यहाँ। आज का व्लॉग रहने वाला है मोस्टली ऑन नाइट क्लब्स, तो अभी चलते हैं के करके सारे क्लब्स में। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है दिन मंडे का और अभी मैं उठ गया था। आज अभी तो बज रहा है, खैर 3 बजने वाला है। मैं उठ गया था अभी 2 घंटा पहले, एडिटिंग करने में लगा था। और आज हमारे यहाँ 1 बजे से लाइट नहीं है, बिकॉज नोटिस ऑलरेडी जारी था। तो किस चीज़ का था मैं बिल्कुल बताता हूँ। हमारे सोसाइटी का ट्रांसफार्मर का सर्विस हो रहा है, ठीक है। ये देखो पूरी टीम आई हुई है उनकी, सब रिपेयरिंग वगैरह का सामान वगैरह सब कुछ उनके पास है, ठीक है, सही कर रहे हैं। और वो बंदा देखो अपना सर्विस करके दोबारा से बांध रहा है। और 4 बजे तक का इन लोगों ने टाइम दिया है, 4 बजे शायद लाइट आ जाएगी। तो आज तो ना मैं चाय बना सकता हूँ, ना कॉफ़ी बना सकता हूँ, कुछ भी नहीं है। उठा तो थोड़ा लेट ही था, तो वेट कर रहे हैं आ जाए। और मैंने खाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत मंगा लिया है, वही खाएंगे और क्या ही कर सकते हैं। भाई ये देखो हमारा पराठे वगैरह आ गए हैं, प्लेट्स भी दी है, क्या क्या मैं दिखा देता हूँ। कप्स हैं और ये रहा दही, ये है चाय हमारी एंड अचार, ओके। एंड ये भी कुछ लग रहा है, पता नहीं क्या है। दो दही दिए यार, दो पराठे हैं तो देखा। और ये और वो राज दरबार भैया, राज दरबार वाले भैया जो है शुभम भैया, वो खुद देने आए थे पर्सनली। 5-10 मिनट मैंने उनसे बातचीत की, बोले यार अपने यहाँ के लोग हैं तो दे देना, हमें अच्छा लगता है। तब इस मील को एंजॉय करते हैं भाई, फिर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। देखते हैं पराठे, दिखाऊँ मैं आपको कैसे हैं। मस्त होगा भाई, मस्त एकदम। ये देखो द स्टफिंग। हेलो गाइस, थाईलैंड के एक और शाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी बज रहा है लगभग 7:30 यहाँ का, आपके वहाँ 5:30 हुआ होगा। और अभी निकल चुका हूँ पटिया नाइट मार्केट के लिए, वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि पटिया की जो नाइट बाज़ार है ना, ये भाई सबसे सस्ती है। टॉफीज़ वगैरह, आपको कैंडी वगैरह लेनी है आप यहीं से परचेज़ कर लो, सामान सस्ता मिलता है। बाकी बैंकॉक में बहुत महंगा है भाई, बहुत महंगा है। यहाँ पे देखो सारे बुढ़े बेड़ा मार के बैठे हुए हैं और पी रहे हैं मस्त आराम से अपना। ये देखो यहाँ पे भी ये सब के सब सारे बुढ़े अपना देश छोड़ के आए हैं, बेहतरीन पकड़ के पी रहे हैं आराम से बैठे हुए। यहाँ भाई आप जहाँ भी निकल जाओगे गली रोड पे, आपको क्लब्स ही क्लब्स मिलेंगे भाई। ये यहाँ की वाइब कहो या जो कहो मालूम नहीं मुझे, लेकिन क्लब्स ही क्लब्स है भाई, हर गली हर कोने हर मोहल्ले पर सब जगह आपको मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे भी घर से निकलता हूँ मतलब अपने अपार्टमेंट से, और देखो वहाँ क्लब ही क्लब सब जगह, वही माहौल भौकाली वाला, एकदम भौकाली। जैसे ही आप एंटर करोगे, ये वाली टॉफ़ी जो है मैंने ये पहले भी लेके आया हूँ, ये वहाँ बैंकॉक में 100 भात की पड़ती है, यहाँ इन्होंने 70 में लिख रखा है और 3 आप लोगों 200 में। तो इन्होंने, मैंने उनसे फिर भी रिक्वेस्ट करी मैम से, तो इन्होंने मुझे 190 में 3 दे दिए। तो मैंने कई सारी परचेज़ करी हैं ऐसे, सबका अलग अलग फ्लेवर्स की हैं, कैंडीज़ वगैरह, तो आप यहाँ से ले लोगे सस्ते में पड़ जाएगा, बहुत सस्ते में। और स्क्रब वगैरह है, तो एक स्क्रब भी मैंने लिया है, ये पपाया वाला, ठीक है, ये 80 भात का एक है, 2 लोगे तो 150 का। तो ये भी आप अगर चाहो लेना चाहो ले सकते हो, अच्छी शॉप है। जैसे ही आप रोड से एंटर करोगे पहली ही शॉप इनकी है, तो कैंडी वगैरह स्क्रब वगैरह आप यहाँ से ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, सामान मैंने वहीं रखवा दिया है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद सामान उठा लेंगे आके और देखते हैं कुछ लेना है नहीं लेना है। बाकी कपड़े वपड़े बहुत अच्छे अच्छे हैं यार, यहाँ से ले सकते हो। मेरे पास ऐसे इतने कपड़े तो मैं लेना नहीं चाहूँगा भाई। नो, और कुछ देख रहा हूँ कुछ समझ में, कपड़े लत्ते वत्ते क्या ही लूँ यार, ये सब तो लेना है नहीं अपने को। बाकी एक बाम सोच रहा हूँ ले लूँ यार पापा के लिए, बट देखता हूँ कहाँ से लेना है। प्राइसिंग का बहुत डिफरेंस है सब जगह पे, कहीं 60 का मिल रहा है, कहीं 55 का मिल रहा है, कहीं 59 का मिल रहा है।
देखता हूँ विच इज़ बेस्ट, जहाँ बेस्ट होगा वहाँ से ले लूँगा। अभी तो समझ नहीं आ रहा है मेरे को। देखो आप लोग भी कैसी बाजार है, माने तो नाइट मार्केट। ये देखो इतना भरा पड़ा हुआ है। यहाँ देखता हूँ कुछ, भाई मुझे तो कुछ और समझ में आ नहीं रहा है। तो अब भाई सोच रहे हैं यहाँ से निकल लेते हैं। कैंडी वगैरह ले ली है, एक बॉम ले लिया है मैंने यहाँ से, और कुछ लेने का मन नहीं है। यहाँ पे मेरी वो रखी होंगी, मैम कैन आई टेक माय कैंडीज? ओके, यही मैंने रख दी थी और इसी के अंदर मैं अपना ये रख देता हूँ भाई। ओके कम, टेक दिस फॉर मी, आई एम रिकॉर्डिंग दिस, कीप इट। या दिस इज गुड भैया, बहुत सारा सामान हो गया। यू कैन सी दिस इज, देखो कितना सारा है। और अब यहाँ से निकलते हैं सीधे रूम के लिए, उसके बाद कुछ प्लान करेंगे क्योंकि सामान को रखना जरूरी है। चलते हैं यहाँ से। यू कैन सी लाइन से बाहर लगे हो भाई, लाइन से उधर चला आ रहा हूँ। और इन लोग का पता है क्या है, इन लोग खाना जल्दी खा लेते हैं यार। दिन भर काम करते हैं, उसके बाद ये लोग 7-7:30 बजे अपना खाना वाना खा लेते हैं। मैं देखता हूँ खाते रहते हैं लोग कुछ ना कुछ, नूडल्स पता नहीं, जैसे नॉन वेज ही होता है, अपना खाना पीना खा लेते हैं उसके बाद घूमते रात में। और ये जो गलियों गलियों के रास्ते मुझे पता चल गए हैं, यहाँ इतने दिन रहते रहते इसका एडवांटेज ये है कि मैं एकदम सन्नाटे में, देखो पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई यहाँ धूम धड़क्का शोर नहीं, क्योंकि ये सब रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं। इनके अंदर भी लोगों ने क्लब खोल रखे हैं। इसी गली गली होते होते हम जल्दी से पहुँच जाते हैं, मेन रोड नहीं जाना पड़ता है, ये फ़ायदा है। हम आ गए अपने प्रॉपर्टी के एंट्रेंस गेट पे, अब चलते हैं अंदर और सामान रखते हैं चल के अंदर। ओहो अंदर का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है, देख रहे हो आप। इस टाइम तो कोई नहा नहीं रहा, वैसे दिन भर नहाया करते हैं सब यहाँ पे। पता नहीं लॉक तो नहीं हो गया, चाबी लगानी पड़ती है फिर। खुल गया, भाई अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है और हम यहाँ तक निकल चुके हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और जा रहे हैं पटाया बीच की तरफ, देखते हैं वहाँ कैसा माहौल है और वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। नहीं अच्छा लगेगा तो वापस आ जाएंगे। मैंने वो बाइक रेंट कर ली थी, अरे बाइक बुक कर ली थी, जा रहे हैं। देखो ये भैया चला रहे हैं। और मैं आया हूँ पटाया बीच साइड, भाई काफ़ी सन्नाटा है क्योंकि अभी जस्ट बारिश हुई है, देख रहे हो आप ये सब पानी हो रखा है। मैं भीगता हुआ हल्का हल्का खुद ही आया हूँ और सब सन्नाटा हो रखा है अभी जस्ट बिकॉज क्योंकि बारिश अभी हुई है। मैं और जिस स्ट्रीट से मैं चलता हुआ आया हूँ आपको उस पर सब देखो नाइट लाइफ लाइक फ्रीलांसर वर्कर मिल जाएंगे। ये देखो लाइन से पूरी लेन, मतलब आप 3-4-5 किलोमीटर जितना चल सकते हो उतना सब कुछ यही है, ठीक है। और अब हम चलते हैं, ये देखो ये केवी बैठी हुई मोहतरमा, और हम आगे चलते हैं वॉकिंग स्ट्रीट की तरफ। गाइस लेट्स गो टू वॉकिंग स्ट्रीट और मैं आपको वॉकिंग स्ट्रीट दिखाता हूँ भाई। यहाँ के नज़ारे, यहाँ का माहौल कुछ अलग ही है, देख लो सामने। चलते हैं अंदर अब। आज का व्लॉग रहने वाला है मोस्टली ऑन नाइट क्लब्स, तो अभी चलते हैं कि करके सारे क्लब्स में और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कैसे क्लब्स में क्या क्या हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द नशा क्लब, ये दिखाता हूँ मैं आपको, सामने दिख रहा है आपको, इसमें चलते हैं और देखते हैं कैसी वाइब्स हैं कैसी नहीं है। सो विल शो यू फ्रॉम हेयर टू देयर हाउ इट गोज। पहला क्लब कवर करते हैं, ठीक है चलो चलते हैं अंदर। Thank you.
से निकल रहे हैं बिकॉज दूसरा क्लब भी आपको दिखाना है, ज्यादा देर रुक नहीं सकते, तो लेट्स गो फॉर एज अ शो। ओके हैंग ऑन गाइस, नाउ वी आर मूविंग अहेड टू द शो, तभी चलते हैं भाइयों, अब चलते हैं लीला क्लब में। Chal na, 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 ch